सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी सुबह की 6 बज रही हैं, हम भी रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं आ रही थी अपनी जेठी माँ के घर पर, बाकी जेठी माँ लोग भी रेडी हो गए हैं और आज हमारी तैयारी हो गई है केदारनाथ यात्रा पर जाने की। तो मैं जा रही हूँ, दीदी जा रही है, जेठी माँ जा रही है और ताऊ जी जा रहे हैं। अभी और भी हैं और उसे आप लोगों को बाद में मिलाएंगे। कल रात को हमने ना पैकिंग वगैरह कर ली थी। सुबह सुबह पहाड़ियों का जो व्यू है वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। आसमान में हल्के हल्के काले बादल भी छाए हुए हैं और सामने देखिए भाई, पहाड़ी बर्फ़ से ढकी हुई है और वहाँ भी बादल लगे हुए हैं। तो चलिए जी, नाश्ता वगैरह भी हो गया है और जेठी माँ ने ना बैग भी पीठी पे लगा दिया है और दीदी भी रेडी हो गए। कैसा लग रहा है दीदी? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। और मैं तो आज बहुत सालों बाद जा रही हूँ, बहुत पहले गई थी 9th या 10th में। अच्छा, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। अपना बैग पकड़, अब चल आप जल्दी। तो जेठी माँ कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। अच्छा, केदारनाथ चलते हैं आज, मेरी तो पहली यात्रा है, अब चलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं केदारनाथ कभी गई नहीं हूँ तो आज मेरी ना फर्स्ट यात्रा होने वाली है केदारनाथ की। और जेठी माँ लोगों और मामी ने ना मेरे को बोल दिया था कि केदारनाथ चलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं भी चले जाऊँ। लगता है भोलेनाथ का बुलावा आ गया है। तो फर्स्ट टाइम मैं तो मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना केदारनाथ जाने के लिए, मतलब इतना नज़दीक होने के बाद भी मैं केदारनाथ नहीं गई हूँ। तो आज पहली यात्रा है तो चलते हैं। अगर रोड से ना यहाँ नीचे रोड तक चलते हैं, देखते हैं अगर वहाँ से गाड़ी मिलेगी तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। अभी तो मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली होगी, तो देखते हैं। वह एक तरफ से ना बादल भी हट रहे हैं, काले बादल। जी किनार से हमें गाड़ी भी मिल गई थी और अभी ना दीदी लोग जा रहे हैं भैया जी के होटल पे। तो चलिए जी, ताऊ जी तो चले गए हैं और अभी ना हम यहाँ पे मामा जी को मिलने के लिए आ रखे हैं। मामा जी कैसे हो आप? अच्छा, तो अभी जेठी माँ और हम आ रखे हैं मामा जी से मिलने। कैसे चल रही यात्रा? अच्छा, मामा जी के लॉज के ठीक सामने ना यात्रियों की काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। कोई केदारनाथ यात्रा से आ गया है और कोई लगातार जा ही रहे हैं। तो दीदी अब चलते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हमें दिखाई दी सोमप्रिया की पार्किंग, सामने है फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर गाड़ियाँ फुल भरी हुई हैं और यहाँ नीचे भी देखे भाई गाड़ियों से पार्किंग फुल भरी हुई है, लेकिन यात्री कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अमन भी मेरे को मिल गया। प्रणाम, मैं प्रणाम, कैसे हो? और यहाँ पे मामी जी मिल गई है, ये आगे थे हमसे, क्यों आए आगे? तो अभी हम ना सोमप्रयाग से 1 किलोमीटर दूर आए और यहाँ पे ना सतलज से हल्के वाहन लगे हुए हैं गौरीकुंड तक। तो पहली बार जा रही हूँ गौरीकुंड तक, तो ताऊ जी अभी यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं। ट्रैफिक लग रखा था, बाकी मामी है और सबसे बड़ी वाली मामी है, जेठी माँ है, ताऊ जी हैं, तो सब पैदल जा रहे हैं। अब दीदी हम यहाँ से, दीदी अभी यहाँ से कितना है? यहाँ से अब थोड़ा ही है। अच्छा। हम पहले निकल गए थे क्योंकि यहाँ से उन्होंने बोला ना आधा घंटा लग जाएगा, तो हम जल्दी निकल गए। हमने यहाँ से ना डंडे भी ले लिए हैं। मामी कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा भाई, पहली बार कर रही हो यात्रा?
मैं अभी पहली बार रख रही हूँ ना। तो यहाँ पे ये रही सटल सेवा की पार्किंग। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हैं। अभी हम गौरीकुंड से काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं। बाकी ना यहाँ पर आते आते ना हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए जी अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ना केदारनाथ 14 किलोमीटर दूर है। तो अब जेठमा लोग ना पीछे रह गए हैं, मैं मामी अमन आगे जा रहे हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि अमन कौन है, तो अमन मेरी सबसे बड़ी वाली मामी जी का लड़का है। और यहाँ रास्ते में ना छोटी छोटी दुकानें भी खुली हैं। तो यहाँ केदारनाथ में ना सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़े ना, तो यहाँ सामने पे हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। बाकी मैं मामी और अमन आ गए, और मामी पापा से ना आ गई बहुत ज़्यादा। तो मामी बोल रही थी घोड़ा कहते हैं, पैदल यात्रा अच्छी होती है ना। बच्चे बोल रहे थे घोड़ा घोड़ा तो पैदल नहीं चल पाएंगे। हाँ, और ताऊ जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, और जेठी माँ की हालत ख़राब हो गई? ए जेठी माँ थकान लगी नहीं लगी? अच्छा अमन थकान लगी? तो अमन मामी का बैग ले जा रहे रास्ते में, थोड़ा सा मामी ले जाएगी और थोड़ा सा अमन ले जाएगा। बाकी दीदी की न्यू दीजिए, हालत खराब हो गई, जल्दी आ। इसको आदत पड़ गई है ना, मतलब देहरादून की। तो उसी तो खूब गई तो गई उतनी थकान लगी यार। अच्छा, हमारे सामने पे कितना अच्छा व्यू है ना। तो यहाँ सामने ना हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी अभी हम यहाँ पर सब बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ खाते हैं ना मामी, हालत ख़राब हो गया। और चप्पल नहीं चल नीचे आ रहा है, एक रोटी चप्पल नहीं चल नीचे आ रहा है, वो छोटा हो गया मेरा फेस। कोई बात नहीं, अच्छा लिख रही हो? अच्छी लग रही है। हाँ, आप लोगों का कमेंट करना मैं कैसी लग रही हूँ। पहली बार मैंने ब्लॉग में ना चश्मा लगाया। एक जगह पे बैठे थे, वहाँ पे हमने ना थोड़ा कुछ फल फ्रूट वगैरह खाया, और अभी थोड़ी जान आ रही है शरीर में ना, नहीं तो हालत ख़राब हो गई थी। और आज दिन तो चल नहीं पा रही है, थकान भी तो लगी रही है बैठने में। तो चलिए जी अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है। हाँ, वो तो ड्रीम प्लेस है। हाँ, हर किसी का सपना रहता है भाई केदारनाथ जाने का। तो चलते हैं भाई। यात्रा कर रही हो तो पैदल यात्रा ना सबसे बेस्ट रहता है। और ना मेरे को घोड़े खच्चरों को देखकर ना काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, जैसे कि खच्चर आ रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी लात मारेगा खच्चर। तो चलते हैं भाई। बाकी जेठिमा अभी जेठिमा पसीना आ गई, जेठिमा का फेस लाल हो गया। भगवान आनी भगवान वही। तो अब चलते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं भैरव मंदिर।
मैं तो यहाँ सामने है भैरव भगवान जी का मंदिर। सफर में आगे बढ़ते आगे हमें ना मामी जी मिल गई। ए मामी तुम्हें क्या बैंक के लिए भागना? अरे मैं मेरे को आ रहा यार चढ़ाई चलने। मामी तो हमसे ज्यादा भाग रही है। अच्छा है अच्छा आप कितनी बार आई हो केदारनाथ? 6-7 बार हैं। मेरा तो फर्स्ट बार है। पिछले साल भी आई थी। हैं अच्छा तो चलते हैं अब। और प्यास भी लग गई है तो हमें ना पानी की बहुत अलार्म की थी ना, उसके बाद अब सफर में आगे बढ़ते पानी पीते हैं, बाकी भोजना लोग नीचे बैठ लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक ढाबे पे आ गए हैं और बाहर ना हल्की हल्की बूंदा पानी भी स्टार्ट हो गया। मामी ने अभी चश्मे भी लगा दिए। मामी इधर देखो तो अच्छे लग रहे हो। निकालो रेनकोट। हाँ वही तो। और दीदी ने दीदी दादी अगवा अभी ताऊ जी ने चश्मे निकाले। बड़ा चश्मा लगा वे जरा थकान लगी। अब देखे ताऊ जी भी हीरो लग रहे हैं अभी। जेठी माँ थकान लगी ना बहुत अच्छा लगा। बेटी अब रेनकोट होना आराम पर। हाँ तो जेठी माँ के होटल से ना हमने पराठे रख रखे थे, ताऊ जी ने दिए थे, बोला कि रखो बल। तो अभी यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे का आनंद लेते हैं। पराठे भी अभी गर्म है और आलू की सब्जी है साथ में। तो चलिए जी नाश्ता वगैरह भी हो गया है और अभी ना हमारी तैयारी हो गई है यात्रा में आगे बढ़ने की। और रेनकोट भी लगा दिया क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो चलिए जी दीदी ने भी रेनकोट लगा दिया है। इधर देखो सेम सेम रेनकोट है। और जेठी माँ ने भी लगा दिया। जेठी माँ का भी सेम है। और ये देखिए मामी ने भी। जैसे ही हम सफर में आगे बढ़े ना, यहाँ ऊपर की साइड काफी बड़े बड़े चट्टान है भाई, ये देखिए। और यहाँ तक आते आते हालत खराब हो गई। और यहाँ ऊपर की साइड ना काफ़ी खूबसूरत झरना बह रहा है, ये देखिए भाई। और बरसात के टाइम ना ये काफ़ी भयंकर आता होगा। पर मैं आगे बढ़ते अभी हम पहुँच गए हैं भीमबली मंदिर में। यहाँ सामने है भीमबली भगवान जी का मंदिर। तो रामबाड़ा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से है खड़ी चढ़ाई ऊपर तक। यात्री कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ लोग जा ही रहे हैं। चलिए जी अभी बारिश भी बंद हो गई है, हमने ना रेनकोट भी उतार लिया है। और रेनकोट नहीं उतारा है फिर बारिश होगी ना, फिर कौन पहनेगा, उस तरह से पहन के रखोगे। अच्छा तो चलिए जी अब सफर में आगे बढ़ते हैं। अभी काफी भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे देखे भाई एक छोटा सा गधेरा जो कि काफी मटमीला सा आ रखा है। बाकी यहाँ पे आरती दी ब्लॉग शूट है और जेठी माँ यहाँ नीचे पे बैठ गई है। छकान लगी बर्फ लगी नहीं भयंकर। और ये देखें यहाँ पे बारिश कम होने का वेट कर रहे हैं। जब बारिश कम होगी ना फिर सफर में आगे बढ़ेंगे। अभी केदारनाथ ना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हम आ गए हैं यहाँ छानी कैंप में और अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय। और यहाँ पे रहते हैं मामी के भाई न बड़े भाई, तो यहाँ पे भी जरूर आना। और भैया जी वहाँ पे चाय बना रहे हैं और मैगी बना रहे हैं। भाई की दुकान है छानी कैंप के मेन पॉइंट पे।
एक बार भाई को भी सेवा का मौका अवश्य देना भाई, तो यहाँ पे जरूर आना। तो अभी यहाँ से सामने वाली पहाड़ियाँ ना काफ़ी गजब की दिखाई दे रही हैं, और सामने दिखाई दे रहा है छानी कैंप। तो चलते हैं भाई, अभी तो 3-4 किलोमीटर और होगा। बात और है भाई, यात्रा में ना मुझे एक भी दुकान नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मतलब हाजी दर्शन कर लूँ केदारनाथ भगवान जी के, लेकिन आज नहीं हो पाएंगे। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच गए हैं घोड़ा पड़ाव में, तो यहीं तक घोड़े खच्चर जाते हैं। बाकी मामी कैसा लग रहा आपको यहाँ का? बढ़िया, बस अब पहुंचने वाले हैं। हाँ, अब रूम लेंगे ना? रूम लेंगे थोड़ा आराम यार। हाँ, कल घूमेंगे। हाँ ये जी, अब ना हम मंदिर से थोड़ा सा दूराई पर ही हैं, और काफ़ी अच्छा लगा है। जब मैंने मंदिर को दूर से देखा ना, तो एक हल्की सी स्माइल आया। जब मंदिर में जाएंगे ना, चले गए ना, थोड़ा रह गया। हाँ, तो चलते हैं भैया। तो चलिए जी, फाइनली अभी हम ना कैंप में भी आ गए हैं। तो बाकी ना पैर दर्द हो रहे हैं, अब आज तो रेस्ट करेंगे और कल केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करेंगे। और दीदी के पैर में खड़े हो गए दीदी, और जेठी ना अब रेस्ट करते हैं, ठीक है? अब आराम पर। हाँ, एंड कर दो, कल से वीडियो शुरू फिर दूसरी। हाँ, तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।